हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हाइव। आज हम क्वेश्चन करेंगे रोमन टू इंटीजर्स, जो स्ट्रिंग्स पे होगा। ये इजी कैटेगरी में आता है। एंड रोमन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रोमन न्यूमरल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेवन डिफरेंट सिंबल्स, और उसके सिंबल्स दिए, जिसमें ये सिंबल की टेबल भी बना रखी है, जिसमें टेबल में फर्स्ट आई को 1, वी को 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500 एंड एम को 1000। सो फॉर एग्जाम्पल, 2 इज रिटन एज, दो आई लिखेंगे 2 को, राइट? क्योंकि एक आई का मीनिंग 1 है और 2 चाहिए, तो हमें दो बार आई लिखना पड़ेगा। इन रोमन न्यूमरल, जस्ट टू वंस एडेड टुगेदर, 12 इज रिटन एज एक्स, फिर दो आई, विच इज सिंपली एक्स प्लस 2। द नंबर 27 इज रिटन एज दिस, विच इज दिस एक्स एक्स प्लस वी प्लस दो बार आई। रोमन न्यूमरल्स आर यूजली रिटन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउएवर द न्यूमरल फॉर 4 इज नॉट 4 टाइम्स आई, इंस्टेड द नंबर 4 इज रिटन एज 1v, बिकॉज 1 इज बिफोर द 5, वी सब्ट्रैक्टेड मेकिंग 4। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू द नंबर 9, विच इज रिटन एज 1x। There are 6 instances where subtraction is used, जहाँ पे अगर i v के पहले है, i x के पहले है, तो वो 4 और 9 बना सकता है। अगर x के पहले अगर l के पहले x है, c के पहले x है, तो 40 और 90। अगर d के पहले c है, m के पहले c है, तो वो 400 और 900 बना सकता है। So given a Roman numeral, convert it to an integer. ओके, जैसे कि यहाँ पे 3 टाइम्स आई दिया है, तो ऑफ कोर्स 3 रहेगा। नाउ दिस इज एल, वी और 3 बार आई दिया है। सो व्हाट इज दिस एल, मतलब क्या होता है? एल मतलब होता है 50। सो इट इज 50 प्लस 5 प्लस 3 टाइम्स आई, व्हिच इज 3, राइट? सो 58 हो गया। नाउ दिस इज एम सी एम एक्स सी आई वी। सो एम, व्हाट इज एम? इट इज 1000। ओके, एंड ये जो है, इसमें बोला है कि अगर m के पहले c आता है, तो वो 900 बनाता है। यहाँ पे m के पहले c आया है, तो सी एम इज इक्वल्स टू 900। देन xc क्या होता है? अगर c के पहले x आया है, तो इट विल बी 90। सो xc विल बी 90, xc विल बी 90। और फिर अगर v के पहले i आता है, तो इट इज 4। सो इट इज 1000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 4, विच इज 1994। ओके, कॉन्स्टेंट्स क्या है कि एस की लेंथ जो है, वो स्ट्रिंग की जो लेंथ है, इट इज 1 to 15, एंड एस कंटेन्स ओनली द कैरेक्टर्स, जो भी रोमन न्यूमेरिक के कैरेक्टर्स जो सिंबल्स दिए थे उन्होंने। इट इज गारंटीड दैट एट इज एस इज वैलिड रोमन न्यूमेरल इन द रेंज 1 to 39। सो कोड करते हैं। इसमें कोड में सिंपल इफ एल्स से सॉल्व किया है, और बहुत सारे केसेस थे ना, इस वजह से मैंने आपके सामने नहीं लिखा, मैंने पहले ही कोड लिख दिया। इसमें सिंपल हमने इफ एल्स से ही किया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इफ एल्स से करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमने पहले इन सम को ज़ीरो करा है, जिसमें हम पूरा टोटल स्टोर करेंगे, टोटल जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे उसको हमने पहले इनिशलाइज कर दिया है ज़ीरो से, और फिर हम स्ट्रिंग को आइटरेट कर रहे हैं, स्ट्रिंग जीरो से स्ट्रिंग की लेंथ तक, ठीक है? और फिर हम देख रहे हैं अगर s ऑफ i की वैल्यू जो है, अगर वो i के बराबर है, और अगर उसके बाद में अगर v या फिर x नहीं आता है, तो v या फिर x नहीं आता है, तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, करेक्ट? अगर फिर नेक्स्ट इफ एल्स में else में लिखा है मैंने कि अगर s ऑफ i अगर x है, और उसके बाद अगर l या c नहीं आता है, ये तीनों कंडीशन मैंने पहले ही लिख दी है, ठीक है? ये तीनों कंडीशन, तो फिर मैंने लिखा कि x के बाद अगर l या c नहीं आता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 10 है, और फिर अगर c के बाद d और m नहीं आता है, तो इसकी इसका मतलब c की वैल्यू 100 है। और फिर हमने नॉर्मल v की वैल्यू लिखी हमने, कि वो v की वैल्यू 5 है, L की वैल्यू 50, D की वैल्यू 500 एंड M की वैल्यू 1000। और फिर हमने लिखा अगर X के बाद L आता है,
तो इट इज 40, और आई को आइटरेट कर दिया क्योंकि हमने इसके आगे वाला जो है आई को इंक्रीमेंट कर दिया. क्यों? क्योंकि हमने आई प्लस वन को कंसिडर कर लिया है, अब वो वापस से एल को नहीं कंसिडर करना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हमने आई को इंक्रीमेंट कर दिया. और फिर अगर एक्स के बाद सी है तो वो 90 होएगा. अगर अगर एस के बाद अगर आई के बाद वी है तो वो 4 कंसिडर होगा. अगर आई के बाद एक्स है तो वो 9 होगा. और सी के बाद डी है तो 400, और सी के बाद एम है तो 900, और हमने इंक्रीमेंट कर दिया है. और फिर हमने सम को रिटर्न कर दिया है. सम को रिटर्न किया क्योंकि इसमें जो 900 ये सब हमने सम में ऐड किया था, और सम हमारा 0 से इनिशियलाइज हुआ था, और फिर हमने सम सम को रिटर्न कर दिया. ओके, तो अब रन करके देखते हैं. ये देखिए, ये एक्सेप्ट हो गया है, हमारे तीनों केसेस एक्सेप्ट हो गए हैं. सबमिट करके देखते हैं. ओके, ये एक्सेप्ट हो गया है विद 100% बीट्स एंड 0 रन टाइम, 0 मिलीसेकंड रन टाइम, और मेमोरी हमारा 6.29 हुआ है. तो ये क्वेश्चन था 13 नंबर क्वेश्चन था, लीट कोड पे रोमन टू इंटीजर, स्ट्रिंग पे बेस्ड है और इजी कैटेगरी का है. आप ट्राई कर सकते हो और भी क्वेश्चन स्ट्रिंग के. दिस वाज अ बेसिक वन, हमने आज स्ट्रिंग से स्टार्ट किया है. थैंक यू एवरीवन. अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको कोड चाहिए या फिर कोई रेफरेंस मटेरियल चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, अगर वॉइस क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.